दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के खास कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे आपके दिमागों में और पूरे समाज के दिमागों में अगर कोई बात बिल्कुल जड़ हो जाती है, बैठ जाती है, तो फिर हम वैसे ही सोचने लगते हैं, बात सही हो या बात गलत हो। कई बार ऐसा होता है कि किसी जगह को देखते हैं, किसी कलर को देखते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, अगर उसके बारे में आप लगातार एक ही तरह की बातें सुन रहे होते हैं, तो आप पहले जो बातें सुन रहे होते हैं उनसे प्रभावित होते हैं और फिर उस चीज को, उस व्यक्ति को या उस कलर को देखते या समझते हैं। कुछ वैसा ही अपने देश में हो रहा है। प्रोपेगेंडा, प्रचार, टेलीविजन के जरिए, मीडिया के दूसरे माध्यमों के जरिए, और सबसे बड़ा आजकल माध्यम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना हुआ है, इसके जरिए जो सियासी दाव पींच है इस देश में, इस समाज में, सत्ता राजनीति में, उसके बरक्स जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह की छवियां लोगों की बनाई गई हैं, समूहों की, समाजों की, समुदायों की, हम पहले उस प्रोपेगेंडा से प्रभावित होते हैं सबसे पहले, और तब हम आदमी को देखते हैं। यही हो रहा है इस वक्त, जब पूरी दुनिया COVID-19 से अपने को उबारने की कोशिश कर रही है। महामारी जब आती है तो लोग कहते हैं, और ये मैं भी कई बार कह चुका हूं, कि केवल लोग नहीं मरते, इंसानियत भी मरती है। लेकिन इंसानियत को बचाने के लिए भी एक बड़ा तबका खड़ा होता है, वो ज्यादा संवेदनशील, उदार, बहुत ज्यादा उसमें करुणा होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ करुणा के बजाय क्रूरता बढ़ रही है, नफरत बढ़ रही है, विभाजन बढ़ रहा है। हमने देश के जो सबसे बड़ा माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है, सबसे बड़ा जो एक अल्पसंख्यक समाज है, उसके प्रति नफरत की लगता है कि परतें चारों तरफ बिछा दी है। तबलीगी जमात का जो मसला आया, उसके बाद से तबलीगी जमात को हम सब लोगों ने कहा कि उनकी गलतियां हैं, उन्होंने ब्लंडर्स किए, उन्हें नहीं करना चाहिए था इस दौर में इतना बड़ा सम्मेलन, और उतने ज्यादा लोगों को रखना भी नहीं चाहिए था। अगर वो तुरंत हटा देते वहां से तो शायद चीजें इतनी खराब ना हुई होती। लेकिन कोरोना जिहादी कहना सारे के सारे मुस्लिम कम्युनिटी को, या यहां तक कि मैं कहता हूं कि जो तबलीगी जमात के भी लोग वहां आए थे, सबको जिहादी कहना, कोरोना जिहादी कहना, मैं समझता हूं कि ये जो प्रोपेगेंडा हुआ है उसका असर देश के कोने कोने पर, खासकर हिंदी हार्टलैंड में तो दिखाई देने ही लगा है, लोगों के दिमागों में बसा दिया गया है। और दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तबलीगी जमात का मामला 30 मार्च के आसपास सामने आया, खासकर उसको संक्रमण का मामला। लेकिन भारत में कोरोना का जो पहला संक्रमित होने का केस आया था, वो केरल में एक लड़की को लेकर आया था जो वुहान से आई थी, और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई, बिल्कुल ठीक हो रहा, अपने घर में है। और इसके बाद जो दूसरा, जो कई तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर हम 20-25 पहले केसेस को देखें, इनका तबलीगी जमात से कोई मतलब नहीं, सारी केसेस अलग है। अगर मैं आपको बताऊं कि 35 की शुरुआती मौतें अगर देखा जाए, उनमें 24 ऐसी हैं जिन्होंने विदेश यात्रा कभी की ही नहीं थी, इनमें 18 मामले महाराष्ट्र, कश्मीर, केरल, तमिलनाडु के हैं। तो ये कहना, अब तीसरी जो डेथ हुई थी महाराष्ट्र में हुई थी 64 साल के एक व्यक्ति की, जो विदेश से आया था। पांचवी जो डेथ हुई थी वो पंजाब के एक बुजुर्ग की हुई थी, और ये जो सरदार साहब थे वो जर्मनी, इटली से होकर यहाँ आए थे। तो इसलिए तबलीगी जमात के मामले से आने से पहले 30 जनवरी से ये मामला चला आ रहा था, सरकार ने पहल बाद में की और फिर तबलीगी जमात अचानक आ गई। तो इसको भी देखा जाना चाहिए, जो लोग बार बार ये प्रचारित कर रहे हैं कि अपने देश में जो कोरोना है, जो COVID-19 है, वो तबलीगी जमात के जरिए है और वही एकमात्र कारण है। जैसे ही वो किसी मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति को देखते हैं, अगर उसको लगता है कि ये मुस्लिम है, तो उसके बारे में एक अजीब तरह की छवि बनाते हैं। और इसकी वजह से आज हमारे देश के महानगर में भी, कस्बों में भी ये खबरें आ रही हैं कि कैसे लोग किसी कस्टमर को, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, उसको सामान देने से ही चक रहे हैं दुकानदार। कई ऐसी घटनाएं घटी हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं,
कुछ एक ऐसी कालोड़ी से खबरें आ रही हैं कि वो ठेला वाला वेंडर जो होता है, अगर वो समझते हैं कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी का है तो उसको आने नहीं दे रहे हैं, कुछ एक की पिटाई भी कर दी गई है, कुछ एक ऐसी भी घटनाएं हुई हैं, चाहे उसकी उसके लिए जो भी जिम्मेदार हो, कि आप पूरे एक शहर में एक प्रचारित कर दिया गया कि अमुक जगह पर लोगों ने मेडिकल टीम के साथ दुर्व्यवहार किया। अब इंदौर में हुआ, सबने देखा, लेकिन इंदौर की घटना की भी तह में जाने की जरूरत है, क्या क्या वहां और हुआ था। लेकिन अभी मैंने देखा कि फिरोजाबाद से एक खबर थी इसी तरह की कि वहां साहब ऐसा हुआ, फिरोजाबाद में बाकायदे पुलिस ने रिलीज निकाली है और उसमें उसने कहा है, मैं आपको वो पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि उसने पुलिस ने ये कहा है आप कि ये जी न्यूज यूपी उत्तराखंड के चैनल के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने रिप्लाई दिया है और कहा है कि आपके द्वारा असत्य एवं भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि जबकि जनपद फिरोजाबाद में न तो किसी मेडिकल टीम या एम्बुलेंस गाड़ी पर किसी तरह का पथराव किया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अपने द्वारा किए गए ट्वीट को तत्काल डिलीट भी करें। इस तरह की बात पुलिस ने कही है। सहारनपुर से लेकर प्रयागराज तक ऐसी घटनाएं हुई हैं। प्रयागराज में भी पुलिस ने किसी इसी तरह के असत्य फेक न्यूज के बारे में बाकायदे खंडन जारी किया है। तो हमारा ये कहना है कि ये बहुत खतरनाक मंजर है, ये इस महामारी से भारत को उबारने की कोशिशों को परीता लगाने वाला है। दोस्तों 1934-36 में महात्मा गांधी के सामने ऐसा ही एक प्रश्न आया था। गुजरात के भावनगर इलाके में एक जगह है तलाजा। तलाजा में बहुत सारे जो पशु थे वो उनके बीच में प्लेग बीमारी फैल गई थी, लेकिन लोगों ने जो अपर कास्ट के लोग थे वहां, उन्होंने क्या किया, अपर कास्ट के लोगों के एक तबके ने वहां प्रचारित किया कि ये सारा काम दलित कर रहे हैं। उन दिनों दलितों को हरिजन आमतौर पे कहा जाता था। महात्मा गांधी वहां पहुंचे, उन्होंने सारी घटना का ब्यौरा लिया, लोगों से बात की, चिकित्सकों से बात की, डॉक्टरों से बात की जो पशु चिकित्सक थे, सरकारी अफसरों से भी बात की और पता चला कि ये बिल्कुल झूठ है और पता ये चला कि कोई ऐसी जहरीली घास खाने से ये सारी बीमारी हो रही है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है दलितों को, वहां के हरिजनों को। इसको लेकर महात्मा गांधी ने अभियान चलाया और वो काफी सफल हुआ। तो हमारा कहना है कि आज महात्मा गांधी नहीं है हमारे देश में, महात्मा गांधी जैसा कोई बड़ा स्टेट्समैन, कोई बड़ा नेता भी नहीं है, लेकिन जितने नेता हैं सबको ये बात आज एक स्वर से कहनी चाहिए कि कोविड-19 से लड़ने में भारत कामयाब तभी होगा जब हम ईमानदारी से, समझदारी से अपने देश की एक-एक आदमी, संपूर्ण जनता के लिए हम काम करें और कोई इसमें भेदभाव, कोई इसमें विद्वेष, कोई विभाजन नहीं होने दें और टेलीविजन चैनलों के द्वारा, व्हाट्सएप इंडस्ट्री के द्वारा, किसी की आईटी सेल के द्वारा अगर कुछ किया जा रहा है तो उस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। यही कहना है एक बहुत बड़े समाज समुदाय का भारत में, जो अपने भारत को उबारना चाहता है कोविड-19 से। दूसरी बात, मैं इस बात के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुरप्पा साहब को, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन साहब, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानी स्वामी को सबको सैल्यूट करना चाहता हूं और देश की जनता को भी सैल्यूट करना चाहिए। इन लोगों ने अपने अपने राज्यों में ऐलान किया है कि किसी भी तरह किसी एक या दो आइसोलेटेड घटना के लिए, उन्होंने तबलीगी जमात का नाम लिए बगैर ये कहा, किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के आदमी को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी तरह का भेदभाव, किसी भी तरह की ऐसी हरकत नहीं की जानी चाहिए। इन मुख्यमंत्रियों ने आह्वान किया है, ये संपूर्ण देश के लिए एक महान संदेश है। और बिल्कुल जाते जाते मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बिहार की राजधानी पटना के बिल्कुल बगल में एक कुर्जी जगह है। कुर्जी में तबलीगी जमात की घटना से पहले की बात है, वहां पर एक मस्जिद में कुछ मंगोलियन चेहरे वाले कुछ लोगों को देखा गया और ये कहा गया कि ये विदेशी आ गए हैं, इनको कोरोना जिहादी कहा गया और मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए काफी प्रचारित किया गया। पता ये चला कि ये कोरोना जिहादी जिनको कहा गया था, उनकी जब एम्स पटना में जांच हुई वो निगेटिव पाए गए। वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे जो किर्गिस्तान से आए थे। पहले कहा गया कि ये चीनी है, फिर कहा गया ईरानी है, लेकिन वो किर्गिस्तान के थे, वो भी इस्लामी
समाज के थे, इस्लामी धर्म गुरु थे या प्रचारक थे, और वहां पर वो मस्जिद में प्रचार करने गए थे, लेकिन वो लॉकडाउन के दौरान फंस गए। बिहार सरकार ने, बिहार प्रशासन को सैल्यूट किया जाना चाहिए कि उन्होंने ईमानदारी से जांच पड़ताल कराई और सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन तबलीगी जमात के मामले में सरकार अपनी कोताही, अपनी लापरवाही तो छुपाती रही कि वीजा उसने दिया ट्रेवल के लिए बाहर से आने वालों को जो कोरोना संक्रमण लेकर यहां आए। यहां तक कि बीजेपी के एक बड़े सांसद हैं सुब्रमण्य स्वामी, उन्होंने भी यह सवाल उठाया है। तो हमारा यह कहना है कि सरकार अपनी गलती से बचने के लिए अगर इतनी सारी उसने भी तंडा खड़ा किया है, तो अब कम से कम कोशिश की जानी चाहिए कि समाज को एकजुट कर, देश को एकजुट कर कोविड 19 से लड़ने के लिए इस तरह का विभाजन, इस तरह का नफरत का जो कारोबार हमारे तमाम मीडिया के कुछ माध्यमों के जरिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ एक माध्यमों के जरिए, कुछ एक चैनलों के जरिए जिस तरह का प्रचारित किया जा रहा है, उसको तत्काल तो थमे। सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो जहरीला प्रचार हो रहा है वो थमे, और कोविड 19 से भारत की एकजुटता को पहले स्थापित किया जाए। और यही हमारे लिए आज की तारीख में बहुत जरूरी है। बेहतर मेडिकल केयर पर बात की जाए, बेहतर कोऑर्डिनेशन पर बात की जाए, इस तरह की चीजों से ही हम, मैं समझता हूं कि अपने देश को बचा सकते हैं। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। We'll be right back.